नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसका फाइनली रिजल्ट है वो आ चुका है। अभी आप लोगों का फिजिकल व ट्रेड टेस्ट होना है, लेकिन भाई अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे साथी आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका 70 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 75 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ जारी हुई है वो स्टेट वाइज हुई है और अलग ट्रेड वाइज हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर कोई सेकंड लिस्ट भी आएगी, क्या फिर से एक और लिस्ट है वो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जारी हो सकती है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा सीआरपीएफ में एचसीएम का जो रिक्रूटमेंट आया था आपके ट्रेड्समैन से जस्ट पहले, काफी लंबे इंतजार के बाद में, और उस वाले रिक्रूटमेंट में कम से कम 3 से 4 सेकंड लिस्ट है वो जारी की गई थी। तो ऐसे में क्या ट्रेडमैन की भी सेकंड लिस्ट जारी होगी? तो इन सारी चीजों के बारे में पूरी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, आखिर जारी होगी तो किन अभ्यर्थियों की जारी होने वाली है, किन स्टेटों वाले कैंडिडेटों को मौका मिलेगा, क्या सभी राज्यों की सेकंड लिस्ट जारी होगी। तो इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली सीआरपीएफ ट्रेडमैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, उससे पहले आपको बता दूं कि अभी आप लोगों की आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है और बीएसएफ ट्रेडमैन की भी न्यू वैकेंसी आ रही है। और अगर आपको ट्रेडमैन की, क्योंकि शानदार रिजल्ट रहा है, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होकर आए हमारे पिछले बैच से, अभी जो बच्चे पहले से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, आरपीएफ के लिए हमारा नया टारगेटेड बैच है, सुरक्षा बैच चल रहा है, और बीएसएफ ट्रेडमैन का हमारा वर्दी बैच चल रहा है, और मैथ स्पेशल आपके लिए चाणक्य बैच चल रहा है। सभी बैचों पर 70% की छूट आपको दी जा रही है। पूरा कोर्स आपको ₹399 मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ आपको फाइनल एग्जाम तक, और एक ही कोर्स है, एक ही बैच से आप लोग हैं सभी ट्रेडमैन के एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों यहां पर रिजल्ट को लेकर। देखो रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। देखो मैं पहला डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूं, सेकंड लिस्ट आप लोगों की आएगी या नहीं। पहली चीज, सेकंड लिस्ट किन की आएगी? देखो आएगी सेकंड लिस्ट तो किन अभ्यर्थियों की सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपकी जो कट ऑफ रही है वो स्टेट वाइज कट ऑफ रही है, स्टेट वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चों का 40 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सारे बड़े राज्य ऐसे भी है जहां पर बच्चों का 75 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यह सारा डिपेंड करता है आपके राज्य पर और आपके राज्य में कितना कंपिटिशन है उस पर निर्भर करता है। अभी मैं आपको बता दूं सेकंड लिस्ट कब आ सकती है, अगर आती है। पहली चीज, जिनकी कट ऑफ हाई गई है उन राज्यों की सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, जिनकी कट ऑफ कम गई है और बच्चे क्वालिफाई 8 गुना कैंडिडेट है, उतने ही बच्चे क्वालिफाई हुए और आगे का प्रोसेस, बहुत सारे राज्य आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पर 8 गुना अभ्यर्थी भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, कई फीमेल कैंडिडेटों की वैकेंसी है जिनमें 8 गुना फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाई है। तो अभी आपकी सेकंड लिस्ट कब आएगी? देखो अभी आपका फिजिकल होगा, अभी आप लोगों का पीटी और पीएचटी होगा, पीटी और पीएचटी होगा, उसके साथ ही आप लोगों का क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड के साथ ही आप लोगों का डीएमई होगा, डॉक्यूमेंट और डिटेल जो आपका मेडिकल होगा वो होने वाला है, और ये सारी चीजें एक साथ होगी। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्टेट में मिनिमम क्वालिफाई नंबर पे भी अगर आपकी कट ऑफ गई है, मिनिमम क्वालिफाई नंबर पे भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो अगर उन राज्यों में बच्चे फिजिकल पास नहीं कर पा रहे, ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, अगर वैकेंसी खाली रह रही है, तो भाई पीछे वाले उससे कम नंबर वाले बच्चों को भी फिजिकल के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। तो सेकंड लिस्ट उन्हीं अभ्यर्थियों की आएगी जहां पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से 2 से 3 नंबर ज्यादा कट ऑफ गई है, मतलब 40-42 तक जिन स्टेटों की कट ऑफ गई है, 40-42 में जिन राज्यों के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और अगर उन राज्यों में उतने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते, ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो भाई एक और आपकी लिस्ट आएगी, लेकिन वो उन्हीं राज्यों की आएगी जहां पर वैकेंसी खाली रहेगी, सभी राज्यों की सेकंड लिस्ट जारी नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा हेड कांस्टेबल की वैकेंसी थी, वो ऑल इंडिया वैकेंसी थी, लेकिन ये वाली वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी है और वैकेंसी को स्टेट वाइज पहले से डिवाइड किया गया है। तो भाई जहां की कट ऑफ हाई गई है वहां की सेकंड लिस्ट आने का बहुत ही कम चांस है, न के बराबर, लेकिन जहां पर मिनिमम कट ऑफ पे बच्चों को क्वालिफाई किया गया है उन राज्यों
जो कि सेकंड लिस्ट आ सकती है। दोस्तों आपका रिजल्ट क्या है, आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन सी ट्रेड से आपने एग्जाम दिया था, कितने नंबर बढ़ रहे, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि जैसे ही अगर कोई भी सेकंड लिस्ट आती है तो भाई उसकी अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।